आपको यहाँ पर लगाया जाएगा वहां पर, उसके साथ आप एक सेल्फी लीजिएगा और हमें बताइएगा, फोटो भेजिएगा, हम आपको यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन पर कांग्रेस के नेता भंवर जितेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको अंदर देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सबसे जो कमजोर एमएलए होता है, जो उनका एक तरह से रिमोट कंट्रोल से चलने वाला जो एमएलए होता है, उनका चाटुकार जो एमएलए होता है, उसको वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। यहाँ हम सबसे जो मजबूत व्यक्ति है, जो कांग्रेस पार्टी जिसको चाहती है, मतलब जो एमएलए चाहते हैं, जो जनता जिसको चाहती है, वो हमारा मुख्यमंत्री बनता है। हमारा जो रिमोट कंट्रोल है सरकार का, वो जनता के हाथ में रहता है। उनका जो रिमोट कंट्रोल है सरकार चलाने वाला, वो रहता है नंबर वन और नंबर टू के। कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो? देखिए, हमारा जो पूरा प्रोसेस है, हमारा जो संविधान है, उसके अंदर जो माननीय विधायक है वो तय करते हैं, हाईकमांड तय करता है, और जो जनता तय करती है, जो जनता जिसको चाहती है, वो हमारा मुख्यमंत्री बनता है। दूसरी तरफ पायलट को मौका मिलेगा? देखिए, ये तो विधायक दल जो तय करेगा उसको मौका मिलेगा। धन्यवाद। सुना महत्वपूर्ण बात उन्होंने, क्योंकि सवाल जाहिर तौर पर यही किया गया होगा मीडिया कर्मियों की तरफ से कि सीएम कौन होगा, बीजेपी की तरफ से सीएम चुनने की क्या प्रक्रिया है, तो उस पर यहां पर सवाल खड़े किए। और पल्लवी, जैसा भी इससे पहले भंवर जितेंद्र के बयान से पहले आप अपनी बातों को सामने रख रही थी कि 9.77% लोग अपनी सरकार का फैसला कर चुके हैं, अपने सीएम का फैसला कर चुके हैं, लेकिन सीएम का फैसला तो दोनों दल में से जिसकी सरकार या कोई और दल अगर जीत कर आता है तो उनकी तरफ से, उनके हाईकमान की तरफ से होगा या फिर एमएलए की तरफ से किया जाएगा। और इसी बातों का जिक्र करते हुए एक बड़ा हमला बीजेपी पर करते हुए कहा कि एमएलए जो सबसे कमजोर बीजेपी का होता है उसी को वो सीएम बनाते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से हमला इस वजह से भी रविंद्र किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने अभी अपना सीएम फेस तय नहीं किया है। बीजेपी जो है, पहले अशोक गहलोत को सुन रहे थे। सीएम ये तो व्यक्तिगत मामला होता है, सबका पूजा करने का, पूजा पाठ सब करते हैं, परंतु जो माहौल है राजस्थान के अंदर, उस माहौल के अनुसार हम कह सकते हैं कि सरकार हमारी बनेगी। सर, महिला मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, सुबह से कतारों में खड़ी है, वोटिंग निशान ये निशान। सर, महिला मतदाताओं में बहुत उत्साह। सुन रहे थे आप, उन्होंने कहा है कि रिवाज बदलेगा, सरकार हमारी रिपीट करेगी, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस इस वजह से भी आश्वस्त है क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा साफ है। क्यों रविंद्र, आपने देखा होगा जिस तरीके से बिल्कुल सही बात आपने यहां पर कही कि मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार लगातार यही कहा जा रहा है कि एंटी इनकमबेंसी सरकार के खिलाफ नहीं है, रिवाज इस बार बदलेगा, सरकार रिपीट होगी। इन्हीं बातों को लेकर